हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल एस स्टडी विद रिचा। आज हम एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, विच इज टॉपिक ऑफ फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इससे आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है? तो लाइक शुरू करके जाना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लेना। बीच में लाइक बटन को चेक करते रहा करो कि आप लोगों ने प्रेस किया कि नहीं। मेरे नोट्स में इतने मत खो जाया करो कि लाइक ही नहीं करके जाते हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन। देखिए, पहले आप यहाँ पे एजुकेशन की डेफिनेशन जरूर दे दीजिएगा। जो मेरी पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें से आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे तीन टाइप की एजुकेशन होती हैं, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है? वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जाएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे तीनों टर्म्स में, टाइप्स में। फॉर्मल एजुकेशन, देखिए फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसको एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, आपको कुछ रूल्स का, कुछ नॉर्म्स का को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है? एंड सेकेंडली, आपको टाइम बाउंड होकर बैठते हो कि आपको इतने से इतने टाइम तक बैठना ही बैठना है, ठीक है? वो होती है फॉर्मल एजुकेशन, और ये एक पर्टिकुलर स्पेस पे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप घर पे भी ले रहे हो, कहीं पर भी ले रहे हो, ठीक है? इसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन साइन होती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, टाइम बाउंड लिमिट में जाना पड़ता है, आने का भी टाइम है, जाने का भी टाइम है, और स्पेसिफिक करिकुलम है, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है? वो होती है फॉर्मल एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट अकर्स विद इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेक्स्ट। इट इज यूजुअली लोकेटेड इन इंस्टीट्यूशंस डेडिकेटेड टू एजुकेशन और ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड वाया लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग स्ट्रेटजीज, फैसिलिटेटेड बाय द टीचर और ट्रेनर। हियर टीचर इज अ फैसिलिटेटर, ओके? इट मीन्स एजुकेशन इज लर्नर सेंटर्ड, वेयर द वर्ड टीचर इज फैसिलिटेटर इज यूज्ड। इट मीन्स द एजुकेशन और करिकुलम इज अ स्टूडेंट सेंटर, जहाँ पर टीचर को एज अ फैसिलिटेटर लिखा गया है, फैसिलिटेटेड बाय अ टीचर। इट मीन्स कि वहाँ पे एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, स्टूडेंट को सेंटर में रखकर प्रोवाइड करवाई जाती है, और टीचर उनकी वहाँ पर हेल्प करते हैं जहाँ पे उनको ज़रूरत है, ठीक है? इंटेंशनल ऑन द पार्ट ऑफ द लर्नर एंड लेड्स टू सर्टिफिकेशन। उनकी एक इंटेंशन होती है कि बच्चे को इतना सिलेबस हम लोगों ने कवर करवाना है, उनको एंड में सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना है, सो दैट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ओके? सो हेयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, दीज आर फिक्स्ड प्लेस। अब देखिए, एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, जैसे कि स्कूल्स हैं, ठीक है, वो तो एक ही जगह पे होते हैं, बच्चे को जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, ये सब आते हैं फॉर्मल एजुकेशन में, तो फिक्स्ड प्लेस होता है। करिकुलम एंड सिलेबस, देखिए सिलेबस और करिकुलम हर चीज़ को मैंशन कर रखी होती है, उसी को फॉलो करना होता है, ठीक है? आप अपने अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी चीज़ मिस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स, इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि एक फिफ्थ क्लास के बच्चे को हमने इतना करिकुलम करवाना है, सेवन्थ क्लास के बच्चे को हमने इतना करवाना है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेके चलती हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके ही वो एक पर्टिकुलर एम तक पहुँचते हैं कि बच्चे ने सीनियर सेकेंडरी कर ली या ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है? ग्रेजुएशन इज एन एम एंड द लेवल्स दैट क्लास फोर, क्लास फाइव, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, ओके? डेलिब्रेट, देखिए फॉर्मल एजुकेशन एक डेलिब्रेटली दी जाती है, वहाँ पर एक टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स को भी उनको फॉलो करना पड़ता है, तो इसमें प्रॉपर तरीके से चलता है। असेसमेंट, कि आप किस तरह से उनके क्या नॉलेज उनको गेन हुई है उसका असेस किस तरह से करोगे, उसका एक पर्टिकुलर वे होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज सर्टिफिकेशन, कि आपको एंड में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाता है फॉर क्वालिफाइंग, विद क्वालिफाइंग मार्क्स, ओके? नेक्स्ट इज मेरिट्स। अब इसके मेरिट्स क्या होंगे, कि इम्बाइब्स सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप एक जगह पे एक टाइम बाउंड होकर बैठे हो, ठीक है, तो इसका मतलब कि आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, ठीक है, आपको डंडे के डर पे नहीं बैठना पड़ता। नेक्स्ट इज फोकस ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फैकल्टी ऑफ लर्नर, कि लर्नर पे ध्यान देके उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाता है, उसको हेल्प प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे उसको मुश्किल आ रही है। जनरेट्स हैबिट्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, जब बच्चा एक टाइम बाउंड लिमिट में बैठा है तो उसका मतलब वो फ्री तो बैठा नहीं रहेगा, एक दिन बैठेगा, दो दिन बैठेगा, थर्ड दिन तो कुछ ना कुछ वो करेगा ही, या वो रीड करेगा, राइट करेगा, ड्रॉ करेगा, या कुछ शरारतें करेगा, बच्चा कुछ तो करेगा, तो इससे उसके अंदर उसके हैबिट्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है? सो इट्स अ कॉन्टिन्यूस लर्निंग, ये एक कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है। आपको फिफ्थ सिक्स आवर्स के लिए आप बैठते हो, रीड करते हो, लर्न करते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, ठीक है?
टीचेस कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना सीखते हो, ठीक है। एक डेस्क पे आप दो बच्चे बैठे हो, डिफरेंट कैटेगरीज के हो, डिफरेंट रिलीजन के हो, और आप एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है। जैसे इसका काम छूट गया तो दूसरे बच्चे ने कॉपी दे दी, भी तुम इससे काम कवर अप कर लो, मेरी पेंसिल टूट गई, मेरा पेन खत्म हो गया। आप छोटी छोटी चीज़ों से कॉपरेशन सीखते हो, किस तरह से एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना है। डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स लर्न टुगेदर एंड डिमेरिट्स आर दैट रिजिड प्रोग्राम, कि वो फिक्स प्रोग्राम है ना, तो वो एक बच्चे को हैक्टिक भी लगता है, ठीक है। कई बार बच्चे उसको उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके अकेडमिक जो नॉलेज होती है वो बिल्कुल नल हो जाती है, बिकॉज वो उस प्रोग्राम में फिट नहीं हो पाते, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो डज यू कंसिडर एटीट्यूड वैल्यूज एंड कस्टम्स, वो डिफरेंट कस्टम्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जो करिकुलम उन्होंने असाइन कर दिया उनको उसी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अननेचुरल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये एक अननेचुरल वे है, बिकॉज टीचर्स आर बाउंड टू कम्प्लीट द सिलेबस, राइट, एंड लर्नर्स और स्टूडेंट्स आर बाउंड टू लर्न दैट सिलेबस, तो एक वो नेचुरल वे नहीं हो पाता है, ठीक है, ये एक अननेचुरल वे बन जाता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है, इसमें आप पूरी लाइफ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है, जहाँ आपका मन आता है वहीं पर आप सीखते हो। सो इनफॉर्मल एजुकेशन कवर्स अ वास्ट एरिया ऑफ लर्निंग दैट ऑल पीपल टेक पार्ट इन देयर लाइफ्स एवरी डे, मतलब हर रोज हर पर्सन कुछ ना कुछ सीखता है कहीं ना कहीं से, उसको जहाँ से भी देखिए, हमारे एक ह्यूमन नेचर ऐसी होनी चाहिए कि हमें जहाँ से नॉलेज मिलती है हम वहाँ से ले। अब एक छोटा बच्चा है, क्रॉलिंग करना सीखता है, करता है गिरता है, करता है गिरता है, और एक दिन वो चलना सीखता है, तो एक उस बच्चे से जब भी आप डिमोटिवेट हो ना, आप छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनकी छोटी छोटी आदतों से देखिए आप अपने आप को रिफ्रेश फील करोगे, ठीक है। इट कवर्स एक्टिविटीज लाइक इंडिविजुअल एंड पर्सनल रिसर्च ऑन अ सब्जेक्ट और इंटरेस्ट फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग बुक्स, लाइब्रेरीज, इनफॉर्मल ट्रेनर्स, द इंटरनेट और अदर रिसोर्सेज। सो अकॉर्डिंग टू ऑन 2006, लर्निंग दैट गोज ऑन इन डेली लाइफ एंड कैन बी रिसीव्ड थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस सच एज फ्रॉम फैमिली, पीयर ग्रुप्स, द मीडिया एंड अदर इन्फ्लुएंसेस इन अ पर्सन्स एनवायरमेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, नेवर ऑर्गेनाइज, कि ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती, आपको जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप ले लीजिए। लर्नर इज हाईली मोटिवेटेड, इसमें लर्नर मोटिवेटेड होते हैं कि हमें जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है हम उससे गेन कर लें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, ठीक है। ओपन स्पॉन्टेनियस, कि आप किसी भी जगह पर ले सकते हो, ठीक है। नो फॉर्मल क्यूरिकुलम, इसमें कोई क्यूरिकुलम डिफाइन नहीं होता कि आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, कहीं से भी कर लो, नो क्यूरिकुलम। नेक्स्ट इज अन इंटेंशनल बट असेंशियल, देखिए ये अन इंटेंशनली दी जाती है, जैसे कि आप घर में हो, ठीक है, कहते हैं ना कि हाउस इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड, आप घर में एक बच्चा होता है उसको खाना खिलाना सिखाते हो, ठीक है, अब खाना तो उसको सारी उम्र खाना है ना, अब वो तो जरूरी है उसके लिए, बट अन इंटेंशनली एक माँ सिखाती है अपने बच्चे को उसका पेट भरने के लिए, जो कि उसके सारी उम्र काम आता है। सो इट इज़ अन इंटेंशनल बट असेंशियल। कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज कई बार कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होती है बट फिर भी आप अपनी क्यूरियोसिटी में उस पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, सो इट कैन बी नेगेटिव बट इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस, यू शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, मेरिट्स क्या आएंगे कि एनी वेयर एंड एनी टाइम, आप टाइम बाउंड नहीं हो, लोकेशन बाउंड नहीं हो, ठीक है, आप कहीं से भी कुछ भी किसी भी टाइम पर सीख सकते हो। टेक्स प्लेस एवरी लोकेशन, देखिए जिसका सीखने का मन होता है ना उसको हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, सो इट टेक्स प्लेस एवरी लोकेशन। Uses a variety of methods. It depends upon the knowledge, upon the way of learner. कि वो किस तरह से किस method से चीज़ों को सीखता है। कोई ऐसा person है जो सिर्फ देख लिया और उसको याद हो गया, कोई ऐसा person है जिसको written books चाहिए होती हैं, उसको पढ़ के भी उसको इसकी knowledge लेनी है तो market में जाएगा उसकी book खरीदेगा और information लेगा। So it uses a variety of methods. Lifelong education, कि ये lifelong चलती है। फोकसेज ऑन अर्ली स्टेज डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर, और इसका जो फोकस होता है वो अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी थी फीड की, खाना खाने की, बच्चे को खाना खिलाने की। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, टेंड्स टू बी अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस हो किया नहीं जाता, मन है करो नहीं मन है मत करो, ठीक है। कैन बी नेगेटिव, कैन एब्जॉर्ब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया, एज आई टोल्ड यू, कि कई बार आप वहाँ भी एनर्जी अपनी वेस्ट कर देते हो जहाँ पर कि जिसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती, बट वो इससे आप लर्निंग करते हो,
ठीक है, लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम डेली एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क फैमिली और लेजर, इट इज़ नॉट ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टाइम और लर्निंग स्पोर्ट, फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग सेशंस, सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड डिस्टेंस लर्निंग. अब इनमें क्या होता है कि एक पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग होती है, उसको सीखना है तो वो जाता है अपना 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास लगाता है, वो भी अपना ऐसा नहीं कि उसको मॉर्निंग ही लगानी है, कभी उसको इवनिंग सूटेबल चाहिए, कभी उसको मतलब इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टूडेंट्स जो है अपने अकॉर्डिंगली टाइम सेट करवा सकते हैं. ठीक है, सो नॉन फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज़ एन अडॉप्टेड स्ट्रेटजी वेयर द स्टूडेंट अटेंडेंस इज नॉट फुली रिक्वायर्ड. यहाँ पे अटेंडेंस के ऊपर खास ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चा फिजिकली होना ही होना चाहिए. द एक्टिविटीज और लेसन्स ऑफ द नॉन फॉर्मल एजुकेशन टेक प्लेस आउटसाइड द इंस्ट्रक्शन और स्कूल्स. हियर द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. यहाँ पे बच्चे के इंटरेस्ट पे ध्यान दिया जाता है. बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट दिस फॉर्म ऑफ एजुकेशन मीट्स द इंडिविजुअल नीड्स बेटर. अब देखिए इसमें जब वही बच्चा जाएगा जिसको कि वो एजुकेशन लेनी है, ठीक है, तो वो बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है तो ऑलरेडी वो मोटिवेट है, उसको मोटिवेट करने की जरूरत तो है नहीं. रीजन कि उसको उसने पैसे लगाए हैं अपनी जरूरत के लिए तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ को सीखेगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस देता है इंटरेस्ट पे, स्टूडेंट की नीड पे. नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन द स्टूडेंट एंड दिस विल हैव एज रिजल्ट दैट द स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स मोर. If the need of the student changes, the non-formal education react quicker because it is flexible. अगर student की change need बदल जाती है कि उसको भी timing suit नहीं कर रहा, syllabus उसको इतना ही करना था तो उसको उतना ही करवा दिया, या उसको syllabus में change चाहिए तो उसको change कर दिया, तो इसमें flexibility बहुत ज़्यादा होती है. So characteristics of non-formal education, students needs के student की need के according चलता है. Certification, आखिर में उनको certification provide करवाया जाता है ताकि उनको job में help हो सके या किसी भी जगह पर अगर उनकी जरूरत को fulfill करता है तो कर सके. डिफाइन पर्पस की एक पर्टिकुलर पर्पस को डिफाइन करता है कि वो किस लिए ये कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि स्विमिंग है, स्केटिंग है या कोई भी है. फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है. अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स डिमांड एंड नीड दे विल चेंज द सिलेबस एंड टाइमिंग. नो टाइम बाउंड, इसमें टाइम बाउंड नहीं होता. अगर आपको कोई सिलेबस 15 डेज में करना है तो वो आपकी डबल ट्रिपल क्लासेस लगाकर 15 डेज में कवर करा देंगे. अगर आपके पास टाइम की लिमिटेशन नहीं है तो आपको 6 मंथ्स तक 1 आवर क्लास लगाकर भी कंप्लीट करवा सकते हैं. सो देयर इज नो टाइम बाउंड. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. मेरिट्स आर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड. की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप मेथड्स चेंज कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने स्टार्ट किया है कोर्स वो आपको फुलफिल नहीं करवा रहा है तो आप, या अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं करवा कर रहा है तो आप इमीडिएट चेंज कर सकते हो. एक्नॉलेजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज करता है. आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, की स्कूल प्रोग्राम्स के बाद भी आप इनको ज्वाइन कर सकते हो. कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है कम्युनिटी बेस्ड होती हैं, जैसे कि कम्युनिटी हॉल्स बने होते हैं या फिर कोई भी एक स्पोर्ट्स अकेडमीज बनी होती हैं जहाँ पर कि डिफरेंट लोग अपने अकेडमीज खोलते हैं. तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी दे डिसाइड. कैन लेड टू ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन फॉर्मल क्लासरूम. इससे क्या होता है कि बच्चों में ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बिकॉज दे आर टेकिंग अ सेपरेट टाइम फॉर दैट, फॉर देयर एजुकेशन. एंड डिमेरिट्स आर इनकन्सिस्टेंसी. अब देखिए आप कभी आप जा रहे हो कभी नहीं जा रहे हो बिकॉज जो अटेंडेंस है वो तो कंपलसरी है नहीं, ठीक है, तो इनकन्सिस्टेंसी आ रही है. डज नॉट रिजल्ट इन डिग्री और डिप्लोमा. एक प्रॉपर तरीके से आपकी डिग्री की वो रिजल्ट नहीं देता. सो डज नॉट प्रोवाइड स्कूल लेवल एजुकेशन. ही आपको स्कूल लेवल की एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं करता बिकॉज इट डिपेंड्स. स्कूल लेवल पर तो फिर आपको टाइम बाउंड होना पड़ेगा, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा. नीड्स हाईली सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर. कि जो मोटिवेटेड लर्नर्स होंगे इसमें वही सक्सेसफुल होंगे. टीचर्स आर नॉट वेल ट्रेंड. कई बार टीचर्स वेल ट्रेंड नहीं होते बिकॉज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स दे हायर द टीचर्स विच आर नॉट वेल ट्रेंड. सो हेयर इज अ कंपेरिजन बिटवीन फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल. ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड टिल स्कूल और कॉलेज, एंड इनफॉर्मल में लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलता है और नॉन फॉर्मल में एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है. ठीक है, स्कोप फॉर्मल में लिमिटेड होता है बिकॉज उनको एक सिलेबस कवर अप करना होता है. इनफॉर्मल में वास्ट होता है और नॉन फॉर्मल में वेस्ट होता है. एजेंसी फॉर्मल में आती है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी. इनफॉर्मल में होम, मार्केट, प्लेग्राउंड, टेंपल एंड नॉन फॉर्मल में स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि स्केटिंग अकेडमीज और स्विमिंग अकेडमीज. एम फॉर्मल में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन. इनफॉर्मल में लेस स्ट्रेस, प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको क्योंकि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में तो बच्चा सीख रहा है ना, रियल एनवायरमेंट में. नॉन फॉर्मल में ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन बिकॉज एक पर्सन को जिस चीज़ की जरूरत है वो उसी के लिए जा रहा है तो उसी पे फोकस किया जाएगा. करिकुलम फॉर्मल में फिक्स होता है, इनफॉर्मल में फिक्स नहीं होता. और नॉन फॉर्मल में
नीट बेस्ड सिलेबस होता है। अगर किसी को आईएलटीएस करना, आईएलटीएस क्लियर करना है तो उसको आईएलटीएस का पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, तो वो नीट बेस्ड हो गया। रूल्स फॉर्मल में रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनफॉर्मल में कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, एंड नॉन फॉर्मल में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे आप कभी क्लास अटेम्प्ट कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो, कभी मॉर्निंग अटेम्प्ट कर रहे हो, कभी इवनिंग अटेम्प्ट कर रहे हो। जो सोर्सेज हैं, फॉर्मल में टॉट बाय ट्रेन टीचर, क्योंकि स्कूल में टीचर बनने के लिए बहुत सी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, कुछ पैरामीटर्स को क्लियर करना पड़ता है, तब आप एक टीचर बनते हो। इनफॉर्मल में रिसीव्ड फ्रॉम एंड एवरी पर्सन, कोई भी पर्सन कहीं से भी रिसीव कर सकता है। एंड नॉन फॉर्मल में टॉट बाय एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स। ठीक है, ये कहीं पर होता है कि ट्रेनर नहीं होते, बट मोस्टली तो ट्रेनर ही मिलते हैं। तो ये था मेरा सेशन फॉर्म टाइप्स ऑफ एजुकेशन। थैंक यू सो मच, लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।